और ये जो खांसी की आवाज़ आई है ये है मेरे प्रभु पति देव की, क्योंकि उनकी तबीयत है खराब, उनके चलना से फीवर, इसलिए मैंने सोचा वेलकम बैक टू कुछ नोट्स व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज है रमज़ान का 23वां या 24वां रोज़ा, मैं भूल गई हूँ टोटली, मेरे दिमाग से उतर गया क्योंकि इधर तीन चार दिन में थोड़े बहुत काम थे, आना जाना थोड़े बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा आना जाना, इस वजह से मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया कौन सा रोज़ा चल रहा है कौन सा नहीं। तो फिलहाल कल वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैं गई थी अपनी आंटी के, और बहुत ही कम व्लॉगिंग हो पाई क्योंकि मेरा काम ज़्यादा था, मैं थोड़ा सा पार्लर भी अपने हो के आई, जैसा कि देख सकते हैं ईद आने वाली है तो तैयारियाँ चल ही रही हैं सब, तो यहाँ वहाँ जाने में ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं हो पाई। और रात में लौटते टाइम इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि ये व्लॉग एंड करने का मौका नहीं मिला, उसके लिए बहुत दिल से माफ़ी चाहूँगी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगी, कल हम लोग गए थे आलम मार्केट, तो वहाँ पे कुछ शर्टें देखी थी जिसमें से हस्बैंड को कुछ पसंद आई थी, मैं भी हो सकता है वो लें और ना ले, आई डोंट नो, पर एक शर्ट मैं आपको दिखाऊँगी हस्बैंड की, उसमें की ही सेम डिज़ाइन उनको पसंद आया था, हस्बैंड को हो सकता है वो ले लें और हो सकता है ना ले, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो शर्ट है ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई क्योंकि इस टाइप की शर्ट उनके पास थी भी नहीं, और ये कलर भी, कैमरे में लाइट आ रहा है थोड़ा सा पर ऐसे थोड़ा सा डार्क है, और ये कॉटन बेस्ड शर्ट है, तो इस टाइप की शर्ट मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई, और दो तीन शर्टें और पसंद आई थी, हो सकता है मे बी वो ले और ना ले, तो फ़िलहाल तो यही था, तो देखते हैं अभी रख देते हैं इसको अलमारी के अंदर। तो फिलहाल इस वक्त बच रहे हैं शाम के 5 और शाम की इफ्तारी का टाइम भी लगभग हो चुका है, मेरे कपड़े फैले हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि पहले जो भी बनना हो वो बन जाए, उसके बाद आप लोगों से मिलूँ, या हो सकेगा तो बीच बीच में मिलूँगी। तो फिलहाल के लिए मुझे इतना ही बताना था, इतना ही अपडेट देनी थी आप लोगों को जो मैंने दे दी, तो मिलेंगे आपको अब थोड़ी देर में, टिल देन आप लोग बने रहिए मेरे व्लॉग में। तो यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी हमारी होने लगी है, और ये हो रहा है मैक्रोनी का मसाला जिसमें टमाटर और हरी मिर्च को मैंने पीस के एक प्यूरी टाइप का बना लिया था। फिलहाल मैंने इसको तेल में प्याज डाली है, हल्की सी सौटे की है उसको, जैसे ही वो पिंक हुई है मैंने इसमें वो प्यूरी टमाटर और हरी मिर्च की डाल दी है, और थोड़ा सा पानी भी, और उसके साथ में डाला है नमक। तो ये जब तक पकता है, भूनता है मसाला, तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद इसमें डालेंगे मैक्रोनी, तो मैक्रोनी बनके तैयार हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद आपको मिलते हैं। तो इफ्तारी हमारी हो चुकी है रेडी, और अभी अभी बस अजान ख़त्म हुई है मगरिब की, फटाफट से अब जाके नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये मेरी मैक्रोनी हो चुकी तैयार, और यहाँ पर करेले चढ़े हुए हैं, ये मैंने कुछ थोड़ी सी प्याज की पकौड़ियाँ तल ली थी, उस दिन थोड़ी सी खरी हो गई थी, इसलिए इस बार मैंने बिल्कुल ध्यान रखा है कुछ भी ना हो, और साथ में मेरी रोटियाँ मैंने बना ली थी थोड़ी सी, तो करेले के साथ खाई जाएगी। तो फिलहाल इफ्तारी हो गई तैयार, और अब आपको मिलते हैं इफ्तारी के बाद। तो रोज़ा हम खोल चुके हैं, मतलब रोज़ा मैं खोल चुकी हूँ, और रोज़े के बाद इफ्तार के बाद जो दुख होता है बर्तन वो भी धुल चुके हैं, और अब मैं एकदम फ्री बैठी हूँ। बज रहा है रात के 10:15, टाइम देखो 9:48 हो रहा है, और हस्बैंड के आने का टाइम हो ही रहा है, 10:30 तक आएंगे, हालांकि बहुत टाइम है, तो मैंने सोचा आप लोग को बता दिया जाए। और मैं थोड़े से पैसे जा रही हूँ अपने गुल्लक में डालने, काफ़ी दिनों के बाद मैंने एक वीडियो भी डाला था अपने गुल्लकों का, दो गुल्लक है मेरे पास, जिसमें से एक में मैं कॉइन डालती हूँ और एक में मैं नोट्स जो होते हैं वो डालती हूँ। तो चलिए फिर मैं फटाफट से पैसे डालती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरह से पैसे मैं थोड़े थोड़े करके पैसे कैसे बचाती हूँ। तो एक गुल्लक तो मेरा ये रखा हुआ है, इसमें तो मैं सिर्फ कॉइन्स ही डालती हूँ, जितने भी कॉइन्स होते हैं भी अंदर नहीं दिखेगा। ये मैंने लिया था 5/12/2022, यानी 5 दिसंबर
2022 को लिया था मैंने, तो ये मैं यहीं रखती हूँ। और इसमें मैं छोटा मोटा सामान भी थोड़ा बहुत रखा हुआ है रोज़मर्रा के यूज़ का। और दूसरा गुल्लक मैं दिखाती हूँ कि मैं कहाँ रखती हूँ। तो ये रहा मेरा दूसरा गुल्लक जो कि काफ़ी बड़ा है, ये देखिए। इसको मैंने लिया था फरवरी या मार्च, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं थी। मेरी शादी हुई थी 2022 में, रुखसती हुई थी, निकाह तो 2021 में हुआ था, उसके 6 महीने बाद मेरी रुखसती हुई थी 2022 फरवरी में। तो फरवरी में या मार्च में मैंने लिया था, मार्च में मेरा बर्थडे होता है तो उससे पहले ही मैंने गुल्लक ले लिया था। तो इन दोनों डेट्स के, मतलब इन दोनों महीनों के दरमियान मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मैंने कब लिया था, तो इसलिए मैंने फरवरी मार्च 2022 करके डाल दिया। और इसमें मैं पैसे भी डाल रही, तो फ़िलहाल तो मैं नहीं दिखाऊँगी, मतलब दिखेंगे ही नहीं, दिखाऊँगी यार छोटे छोटे पैसे करके। तो फिलहाल ये गुल्लक मेरी अभी भरी नहीं है, एक साल हो गया इसको ना, 2 फरवरी मार्च, हाँ 1 साल इसको हो गया। तो फिलहाल अभी मेरे पास पड़े हुए थे ये 60 रुपये, तो मैंने सोचा कि ये पड़े ही हैं तो क्यों ना गुल्लक में इनको डाल दिया जाए। तो बेसिकली मैं कैसे पैसे डालती हूँ कि बहुत से लोग होता है ऐसे फोल्ड करके ऐसे चिरी बत्ती बना के डालते हैं अलग अलग तरीके से, तो मैं इस तरह से नहीं डालती क्योंकि फिर नोट्स बहुत ज़्यादा फोल्ड हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते और बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। और इन नोट्स की हालत वैसे ही, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे नोट जाएं इसके अंदर, पर जब अच्छे नोट नहीं होते मेरे पास तो मैं डाल देती हूँ, क्योंकि फिजूल खर्च होने से बेहतर है कि इसमें चला जाए। तो मैं क्या करती हूँ, एक सेकेंड, वाला हाथ चलेगा मेरा अभी सीधा, मैं इस तरह से फोल्ड करती हूँ, बस 2 फोल्ड, और इसको मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। एक झलक, ये अभी भरने नहीं वाला है ऐसे, तो ये गया इसके अंदर। और मैं एक चीज़ और दिखाऊँ कि ये मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं सेविंग चैलेंजेस, और वैसे मेरी थोड़ी सी हिडन टैलेंट, थोड़ी सी मेरी आर्ट। मेहंदी का है वैसे ये, तो टॉपिक से भटक गए। हाँ, तो मैं फ़िलहाल ये चैलेंजेस कर रही थी, मैंने ये चैलेंजेस दिखाए भी थे। तो अभी मैं कर रही हूँ 20 रुपीज़ पर वीक का चैलेंज, मतलब एक वीक के कोई भी आप डे, अभी तो मैं अभी फ्राइडे कर रही हूँ कि हर फ्राइडे को 20 रुपीज़ निकालूंगी महीने में जितने भी फ्राइडे पड़े। तो फिलहाल मेरा ये इतना चैलेंज पूरा हो चुका है, नवंबर पे मैं आ चुकी हूँ। तो अभी मैंने 60 रुपये डाले हैं, तो अभी मैं टिक करूँगी ये 60, 20, 40, 60। तो इस तरह से ये चैलेंज मेरा, बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 7, 14, 140 रुपये भी इसमें और जाएंगे और ये चैलेंज मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मेरा दूसरा चैलेंज जस्ट सेम ऐसा ही है, शुरू होगा। उसके बाद ये बहुत सारे चैलेंज है, और ये 100 एनवेलप वाला चैलेंज जो है मेरा, वो भी चल ही रहा है, इसका पैसा भी सब इसमें जाता है। और ये चैलेंज मैं आपको दिखाऊँ कि ये कम्प्लीट हो चुका है मेरा, ये 6 मंथ का था, जो आई थिंक मैंने 1 या 2 मंथ में इसका टारगेट मैंने अचीव कर लिया था। तो ये मैंने सेव किया था 18/3/2023 को, पूरा कंप्लीट हो गया था। मेरी बहुत बुरी आदत है, या अच्छी आदत कह लीजिए, डेट डालने की है, ये कंप्लीट हो गया था। तो इसमें पर मंथ मुझे 100 रुपये निकालने थे, 40, 30, 70, 20, 90 और 10, 100, इस तरह से मुझे हर हफ्ते, मतलब हफ्ते में जितना भी पैसे मेरे पास अवेलेबल हो, तो मुझे मतलब 100 रुपये मुझे महीना जुगाड़ करके कहीं से भी निकालना ही था, जो कि मैं निकाल चुकी हूँ। तो ये चैलेंज मेरा कंप्लीट हो चुका है, और ये ऑन द वे है, इसको 100 एनवेलप है, इसको बहुत ही टाइम लगेगा, क्योंकि पर एनवेलप कॉस्ट मैंने 500 रखी है, जो इसमें तो बहुत टाइम है। और ये वाला कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद मैं ये शुरू करूँगी, ये मैं थोड़ा सबसे लास्ट में करूँगी क्योंकि थोड़ा मुझे टफ लगता है। फिर उसके बाद ये शुरू होगा, थोड़ा बड़ा है, हर महीने 200 रुपये निकालने हैं इसमें, 50 रुपये पर वीक के हिसाब से। तो बस यही था अपना, चल रहा है मस्त, दुआ करिए और चले, और आप लोग साथ दीजिएगा तो और चलेगा। तो इसी के साथ अब आपसे मिलेंगे तब, जब आ जाएंगे हस्बैंड। टिल देन स्टे ट्यून।
तो रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा और बज रहे हैं रात के 12 और फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपने कमरे में। मे बी आपको आवाज़ ना आ रही हो मेरी, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मेरी और ये जो खांसी की आवाज़ आई है ये है मेरे प्रभु पतिदेव की, क्योंकि उनकी तबीयत है ख़राब, उनके चढ़ना है फीवर, इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग एंड तो कर ही दूँ, कल के ब्लॉग की तरह बिना एंड ना हो जाए, तो इसीलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बहुत लंबा नहीं करूँगी क्योंकि इनको देखना है भी, तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना प्यार रखिएगा।